दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब 17 मार्च तक सिसोदिया ईडी की रिमांड पर रहेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की कस्टडी में भेजने का फैसला लिया। शराब नीति में 12% का लाभ पहुंचाया गया है, ऐसे में सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय नायर और के कविता के बीच बैठक के बारे में दिल्ली की अदालत को अवगत कराया। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को बताया कि जीओएम बैठक में निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन के 12% के मार्जिन पर कभी चर्चा नहीं की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने विजय नायर और के कविता के बीच बैठक के बारे में दिल्ली की अदालत को अवगत कराया। ईडी ने कहा कि आरोपी बुचेबाबू गोरंटला ने खुलासा किया कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक समझ थी, जो विजय नायर से भी मिले थे। बुच्ची बाबू के कविता के पूर्व ऑडिटर हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि के कविता और मनीष सिसोदिया संपर्क में थे, विजय नायर ने बिचौलिए का काम किया। ईडी ने के कविता और विजय नायर की व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए कहा कि के कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी, दोनों के बीच बातचीत हुई थी। साउथ लॉबी ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए, कुछ कंपनियों को भारी फायदा पहुंचाने की साजिश थी। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की हिरासत की मांग करते हुए एड के वकील ने कहा कि सबूत मिटाने के लिए 1 साल के अंदर 14 फोन तोड़े या बदले जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने दूसरों द्वारा खरीदे गए फोन और सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है ताकि बाद में वह इसे बचाव के रूप में इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया फोन भी उनके नाम पर नहीं है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और सिसोदिया के समर्थन में नारे लगाए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।